वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। लास्ट सेशन में हमने देखा था विकास की अवधारणाएं, बाल विकास क्या होता है और मानव विकास की कुछ अवस्थाएं देखी थी भारतीय विद्वानों के द्वारा। अब हम इस वीडियो में तीन प्रकार की अवस्थाएं यहाँ पढ़ेंगे, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेषावस्था। शेषावस्था जिसे हम जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को मान सकते हैं। शेषावस्था मीन्स जन्म से 6 वर्ष की आयु को हम शेषावस्था कह सकते हैं। अब इसमें जन्म से 3 वर्ष तक तो जो विकास होते हैं, कौन से विकास? शारीरिक एवं मानसिक विकास, ये दोनों बड़े ही तेजी से होते हैं। कब तक? जन्म से 3 वर्ष तक बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में चेंजेस हो रहे होते हैं। हमने गर्भ में से बाहर की दुनिया में कदम रखा हुआ होता है, तो उस अब से भी हमको बाहर के जो वातावरण है उससे भी फाइट करना होता है बच्चे को। इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास बहुत ही तेजी से होते हैं जन्म से 3 वर्ष तक। फिर हम देखते हैं कि शेषावस्था जो होती है वो अनुकरण और दोहराने की अवस्था होती है, और बच्चों में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब हम देखें कि अनुकरण क्या, तो अनुकरण मीन्स बच्चों के पेरेंट्स संबंधी या आसपास के व्यक्ति जैसा करते हैं वो वैसा की वैसा करते हैं। अगर पेरेंट्स ने कोई चीज़ की तो उसी को देखकर वो वैसा की वैसा करने की कोशिश करते हैं, वैसा की वैसा अपने अंदर ढाल लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुकरण। और दोहराना मीन्स जो उन्होंने अनुकरण किया है उसी को फिर से क्या करना? रिपीट करना, वही की वही चीज़ें दोहराते रहना, बार बार करते रहना, तो उसे हम कहेंगे अनुकरण और दोहराने की प्रक्रिया है शेषावस्था। बहुत ज़्यादा तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर बच्चे के सामने पिता ने कोई कार्य किया, ठीक है, तो उसी को देखकर बच्चा वैसा कि वैसा सीखेगा और वैसा ही करने की प्रयास करेगा। अगर उसकी माता ने कुछ कार्य किया है तो उसी को देखकर वो सीखेगा, समझेगा, अपने हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं बच्चे और उसी की चीज़ को दोहराने की कोशिश करते हैं। तो शेषावस्था में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अनुकरण कर उस चीज़ों को दोहराता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों का समाजीकरण भी इस अवस्था में क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। पूर्ण तरीके से समाजीकरण नहीं होता है, लेकिन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो जो हमारा समाजीकरण है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, ठीक है। क्या होती है? कोई भी चीज़ को जानने के लिए वो बहुत उत्सुक होते हैं। जिज्ञासा की जो है वो तीव्र गति पाई जाती है इस अवस्था में। फिर अब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। क्या सीखने की? भाषा सीखने की सर्वोत्तम
अवस्था है। ओके, भाषा सीखने की मतलब बच्चे को जब जो वो जन्म लेता है उसे कोई भी शब्द नहीं आता है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें कुछ वो ध्वनि बोलना शुरू करता है, ध्वनि के हिसाब से वो किसी शब्द को बोलने की जगह क्या करता है, वस्तु को संकेत देने के लिए अपनी ध्वनियों का यूज़ करता है, हकलाता है, बड़बड़ाता है, फिर धीरे धीरे वो एक एक शब्द बोलता है, एक एक शब्द के बाद सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है, सार्थक शब्द बोलने के बाद वो धीरे धीरे वाक्य पे जाता है, छोटे छोटे वाक्य बोलता है, छोटे छोटे वाक्य से बड़े वाक्य, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें। तो ये सब चीज़ें वो कब सीखता है, जन्म से 6 वर्ष के बीच में ही ये सारी चीज़ें सीखता है। इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि ये भाषा सीखने की सर्वप्रथम अवस्था है। इस अवस्था में उन्हें हम जो भाषा सिखाना चाहे वो बहुत जल्दी से कैप्चर करके बोलने लग जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ हमारे MP में देखें तो बच्चे बहुत जल्दी क्या सीख जाते हैं, हिंदी बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि आसपास का वातावरण कैसा है, हिंदी बोलने का, उसके माता पिता हिंदी बोलते हैं इसलिए वो हिंदी सीख जाते हैं। गांव में जाके देखें तो वहाँ पे निमाड़ी बोली जाती है, तो बच्चा क्या सीखता है, निमाड़ी बोलना सीखता है, उसे दूसरी भाषा नहीं आती, क्या आ जाती है, निमाड़ी आ जाती है। तो जो भी मातृभाषा होगी बच्चे की वो बोलना वो क्या हो जाएगा, बहुत ईजी से सीखने लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा देखते हैं तो आती है बाल्यावस्था। ये थी हमारी शेषावस्था, अब है बाल्यावस्था। ये हमारी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु इसमें हमारी आती है। अब इसके जो मतलब शुरुआती दौर में अगर हम देखें 6 वर्ष से 9 वर्ष के बीच में अगर हम देखें 6 से 9 वर्ष तक क्या होता है, तो बच्चे की लंबाई बढ़ती है, भार भी बढ़ता है, ये दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। बच्चे की लंबाई और भार दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। कब, 6 से 9 वर्ष की आयु में, मतलब तीव्र गति से बढ़ते हैं। पहले शेषावस्था में क्या था, दूसरे जो जितने भी शारीरिक और मानसिक जितने भी चीज़ें थी वो चेंज हो रही थी, विकास हो रहा था, बच्चा भाषा सीख रहा था, समाजीकरण करना शुरू कर रहा था, अनुकरण कर रहा था, पर जैसे ही ये अवस्था समाप्त होकर वो बाल्यावस्था में आता है तो उसकी लंबाई और भार क्या होता है, पहले से बढ़ना लग जाता है। अब इस अवस्था में बच्चा चिंतन करने लगता है, मतलब अगर आपने उसे कोई सी चीज़ बताई है तो उसके बारे में वो सोच विचार करके आपको जवाब देगा, उसमें तर्क करने की शक्ति भी इस अवस्था में आ जाती है, ठीक। अब इस अवस्था में बच्चों को पढ़ाई में रुचि आती है, रुचि देने लगते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इन दोनों अवस्थाओं में, तो जब शेषावस्था होती है तो उनकी सीखने की जो स्पीड हम बोल दें तो बहुत स्पीड से सीखते हैं, तीव्र गति से, लेकिन अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो उसकी जो स्पीड है सीखने की वो क्या हो जाती है, थोड़ी मंद हो जाती है। लेकिन इनका जो क्षेत्र है, सीखने का क्षेत्र यहाँ क्या हो गया, विस्तृत हो गया, सीखने का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, लेकिन गति जो है वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। सीखने का क्षेत्र विस्तृत, लेकिन गति क्या हो गई, मंद हो गई। अब विस्तृत कैसे हो गया, अब 6 साल का बच्चा जो है वो कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा, स्कूल में दूसरों को भी देखता है, वहाँ पे दूसरी चीज़ें भी सीखता है, पढ़ाई के साथ साथ दूसरे लोगों को देखकर उनकी आदतें, उनके व्यवहार, उनका शारीरिक बनावट या वो किस पर्सनालिटी के हैं, हर चीज़ वो देखता है, समझता है, ऑब्जर्व करता है और वो अपने अंदर भी लाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, सीखने का क्षेत्रफल बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया। वहीं अगर हम शेषावस्था के
देखें तो बच्चा जनरली घर में रहता है, ज्यादा से ज्यादा वक्त क्या करता है वो घर में व्यतीत करता है, और अगर कहीं बाहर जाएगा भी तो सिर्फ अपने कॉलोनी या अपने आस पड़ोस में जाता है या अपने सगे संबंधियों में जाता है। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल था वो क्या था, कम था, लेकिन जैसे बाल्यावस्था में आता है स्कूल जाना शुरू करता है, बाहर दूसरी जगह जाना शुरू करता है, बाहर जाकर खेलना शुरू करता है, तो यहाँ पर उसका जो क्षेत्रफल है सीखने का वो क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, लेकिन सीखने की जो गति है वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। अब चूंकि इसकी गति मंद हो जाती है इसलिए जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग शैक्षिक विधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में, क्योंकि बच्चे की गति क्या हो गई है, सीखने की मंद हो गई है, उसे फिर से तीव्र करने के लिए बच्चों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसकी अलग अलग शैक्षिक विधियाँ हमने यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था हम देखें तो 12 से 18 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बच्चा अग्रसर होता है, उन्मुख होता है, इसमें परिपक्वता आती है बच्चे में। ठीक है, किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, फिर उसमें जो मांसपेशियां हैं उसमें भी वृद्धि होगी। तो किशोरावस्था क्या है, 12 से 18 की वर्ष की आयु में जो होती है, 12 से 18 तक उसे हम किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था में परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं, लंबाई भार बढ़ता है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। अब हम देखें कि किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों में क्या-क्या चेंजेस आते हैं और पहले किसमें आते हैं ये बात भी है। तो अगर हम देखें तो 12 से 14 वर्ष की जो लड़कियां होती है उसमें तीव्र गति से चेंजेस होते हैं। कब, 12 से 14 वर्ष तक लड़कियों में पहले होते हैं चेंजेस लड़कों के। इस वक्त इनमें चेंजेस हो रहे होते हैं लेकिन क्या है, धीमी गति के, लेकिन लड़कियों में 12 से 14 वर्ष तक बहुत ही तीव्र गति से चेंजेस होते हैं। इनकी लंबाई, भार, मांसपेशियां सभी में चेंजेस आते हैं, साथ ही प्रजनन अंग का विकसित होना। ठीक है, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। इसी के विपरीत अगर हम लड़कों में देखें तो इनमें ये जो चेंजेस है ये 14 से लेके 18 वर्ष की आयु में आते हैं। इनमें 14 से लेके 18 वर्ष में जो चेंजेस है वो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। उनकी लंबाई, उनका भार, उनकी मांसपेशियों में चेंजेस, उनके प्रजनन अंग में विकसित होना, दूसरे भी जो हम बोलते हैं जितने भी चेंजेस हैं वो सब उनमें 14 से 18 की वर्ष की आयु में देखने को मिलते हैं और लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की आयु में देखने को मिलते हैं। अब ये तो बात हो गई कि लड़कों में चेंजेस कब आ रहे हैं और लड़कियों में चेंजेस कब आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में ही इस अवस्था के बाद या इस अवस्था के दौरान सारे मूल प्रवृत्तियां जागृत होती है। ठीक है, इस अवस्था में बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का पूर्ण
विकास देखने को हमें मिलता है। साथ ही में और हमें क्या देखने को मिलता है, उनकी ध्यान केंद्रित क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। साथ ही साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, ध्यान केंद्रित की क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा। और इसी अवस्था में हमें उनमें स्थायित्व देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो मित्र और मित्रता को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने तीन अवस्थाएं देखी। सबसे पहले हमने देखा शेषावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष है, जन्म से 3 वर्ष तक जो जितने भी शारीरिक और मानसिक चेंजेस हैं वो तेजी से होते हैं। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करता है और उसी चीज़ों को दोहराता है। अनुकरण किससे करेगा, तो अपने पेरेंट्स, संबंधी, आसपास के व्यक्ति, इनका अनुकरण करके उन चीज़ों को दोहराएगा। इसी अवस्था में समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है, बच्चों की जिज्ञासा बहुत तीव्र होती है, साथ ही भाषा सीखने की ये सर्वोत्तम अवस्था होती है। फिर हमने देखा बाल्यावस्था, तो ये 6 से 12 वर्ष की आयु की होती है। यहाँ पर हम जब देखें 6 से 9 वर्ष, मतलब जो बाल्यावस्था का प्रारंभ है, तब बच्चे की लंबाई और भार में परिवर्तन आता है, बढ़ती है, बच्चे की चिंतन और तर्क शक्ति बढ़ती है। अब यहाँ पर इसके सीखने की गति मंद हो जाती है, लेकिन उसका जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। और जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि इस अवस्था में बच्चों को जब शिक्षा दी जाए तो अलग अलग प्रकार की शैक्षिक विधियों का प्रयोग करें। साथ ही हमने देखा किशोरावस्था, तो वो 12 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था में परिपक्वता आती है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं, लंबाई भार दोनों में वृद्धि होती है, मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। फिर हमने देखा कि ये चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन लड़कों में कब हो रहे हैं, तो लड़कों में 14 से 18 वर्ष की आयु में हो रहे हैं। इसकी अपेक्षा लड़कियों में इनसे पहले ही 12 से 14 वर्ष की आयु में ही ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। साथ ही हमने देखा कि इस अवस्था में बुद्धि का विकास होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्थायित्व आता है, साथ ही मित्र और मित्रता पर ये ज़्यादा बल देते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।